एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि लाइफस्टाइल। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं आपको बता दूँ हेयर डाई का है। और ये जो कलर है मैं आपको बता दूँ, ये लोरियल का है। तो लोरियल का जो है उसे किस तरह से अप्लाई करना है अपने हेयर पे, वो मैं आज आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ कि किस तरह से अप्लाई करें बड़े बालों पे एंड छोटे बालों पे। तो मैं आज जो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि बॉयज़ के बालों पे किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, और मैं उसमें बता भी दूंगी कि बड़े बालों पे किस तरह से अप्लाई करना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा लगे तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रुचि लाइफ स्टाइल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख पाएँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या करने वाली हूँ, क्या प्रोडक्ट है और किस तरीके से आपको हेयर पे अच्छे से अप्लाई करना है। अभी जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, ये लोरियल का है जो कि हेयर कलर है। तो लोरियल कास्टिंग क्रीम ग्लॉस, तो ये अभी हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए, ये मैंने पहले भी यूज किया है और ये बहुत ही सेफ है, क्योंकि ये अमोनिया फ्री है, इसमें कोई अमोनिया नहीं है, तो आपको कुछ हार्म नहीं करेगा, सबसे बड़ी बात। तो ये इसका मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये ट्यूब जो कि इसका क्रीम है, और ये कलर है इसमें मतलब, और ये मैंने पहले यूज किया है, और ये सेकंड ये डेवलपर है जिसमें ये मिक्स हम करेंगे, और ये कंडीशनर जो कि इसमें मिलता है जब आप इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जब आप बाल को हेयर को पूरा वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद आपको ये कंडीशनर अप्लाई करना है अपने बालों में, और अप्लाई करके 2 मिनट तक हाथों की मदद से अच्छे से उसे मसाज करना है, और उसके बाद आपको अपने हेयर को क्लीन कर लेना है। तो इसका तो बहुत ही बाद में यूज होगा, पहले हम ये दोनों का यूज करेंगे। और इसके अंदर आपको एक इस तरह से, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए एक स्लिप दिया जाता है जिसमें आपको पूरा लिखा रहता है किस तरह से यूज करना है, नहीं करना है। तो इसमें पूरा आपको अच्छे से डिटेल मिल जाता है, बट आज मैं आपको ऐसे इसे किस तरह से यूज करते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो वो मैं आपको उसका लिंक इसके वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और जैसे कि अभी जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि हेयर में किस तरह से इसे अप्लाई करना है, तो देखिए मैं ये क्रीम को मिक्स करूँगी, और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है, और आपको जितना ज़रूरत है आप उतना ही ऐड कीजिए अपने हेयर ग्रोथ के अनुसार। मान लीजिए आपका हेयर बहुत ही लंबा है या बहुत ही शॉर्ट है, तो उसके अनुसार यूज करना है। इसमें मुझे देखिए 2 ग्लव्स भी मिले हैं जो कि आपको यूज करना है अपने हैंड के लिए, तो मैं इसे पहन ले रही हूँ। तो देखिए मैंने पूरा टोटल क्रीम जो है मुझे जितना यूज करना है मैंने वो ले लिया है। अब ये डेवलपर को अच्छे से सेक करना है इस तरह से, और उसके बाद इसे इसमें ऐड करना है। आप चाहें, आपका बहुत ही लॉन्ग हेयर है तो आप क्या कर सकते हैं, ये क्रीम इसी में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देख रहे हैं एक छोटी सी ट्यूब टाइप की मिली है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट कर दीजिए, और ये क्रीम को इसी में सेक करके आप अपने हेयर पर अप्लाई कर सकते हैं, या हैंड से या ब्रश से। तो ये आप इसमें करते हैं तो इससे आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं इसमें ऐड करूँगी। देखिए कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर है, तो ना ऐड कर दिया है मैंने। ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से घोल लूँगी। तो मैं ये देखिए मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहना है, तो मैं इसी की सहायता से इस तरीके से अच्छे से इसे फेंट दूँगी। इसे अप्लाई करना है वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अब हेयर में कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं बता रही हूँ, और ये बहुत ही सेफ है, ये अमोनिया फ्री है, तो आप लोग यूज कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। और ये आपका हेयर डैमेज नहीं करेगा और बहुत ही अच्छा कलर देगा, जो कि मैं अभी आपको डेमो देने ही वाली हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है, अच्छे से क्रीम मिक्स हो चुका है, और आज मैं लगाने वाली हूँ अपने पापा को। तो देखिए इनका बाल आपको मैं दिखा दे रही हूँ। सबसे पहले, लगाने से पहले आपको कॉम करना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब अच्छे से अपने बालों को कंघी कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने ये अच्छे से कंघी कर दिया है, और अब मैं अप्लाई करूँगी। तो कोई भी बाल हो, छोटा बाल हो या बड़ा बाल हो, आपको 2 भागों में अपने बालों को अच्छे से बांट लेना है। तो इस तरीके से मैंने बांट दिया है। अब
मैं अप्लाई करूंगी। तो आप हैंड की भी सहायता से कर सकते हैं या तो आपके पास ब्रश है तो ब्रश से भी कर सकते हैं। और कभी भी ये लगाने से पहले एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए कि ये आपको सूट कर रहा है या नहीं। उसके लिए आपको ये एक उंगली से या एक पॉइंट लेके आप अपने गर्दन के पीछे लगा के ये चेक कर लेंगे। तो आपको कोई भी इचिंग वगैरह होगा तो आप फिर ये यूज नहीं कीजिए, अदरवाइज फिर आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं लगाते जाऊंगी से। ये हेयर छोटा है बट पूरा हेयर में अच्छे से अप्लाई करना है, इसलिए ध्यान रखना है। ये अच्छे से आप एक तरफ से लगाना स्टार्ट कीजिए। देखिए इस तरह से पूरा बैक साइड में भी अच्छे से अप्लाई कर देना है। आप चाहें तो हैंड से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरीके से मैंने चारों तरफ अप्लाई किया है और मैं जो शेड लगा रही हूँ ये हल्का ब्राउनिश में आता है तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये हेयर। और देखिए इस तरीके से मैंने बैक साइड पूरा कंप्लीट कर दिया है। बैक साइड कंप्लीट करने के बाद ब्रश की सहायता से कि इस तरह से आपको ब्रश पे लेना है और देखिए इस तरीके से आपको नीचे की ओर ले जाना है। तो ये क्या होगा ना, अच्छे से आपके एक एक बाल में ये फैल जाएगा। तो देखिए पूरा पीछे हो चुका है। देखिए ये बीच का पोर्शन यहाँ पे थोड़ा अधिक बाल है। तो देखिए ये छोटे बाल हैं, जैसे कि आप लंबे हेयर आप गर्ल्स हैं तो आप लगाना चाहते हैं तो आप अपने बालों को 4 से 5 भागों में बांट के लगाइएगा। पर ये हम हेयर को सिर्फ 2 भाग में ही बांट सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और इस तरीके से लगाएंगे तो आपका ये पूरा बाल में लग जाएगा। देखिए इस तरीके से मैंने अप्लाई किया है क्योंकि ये छोटा हेयर है तो बॉयज जब भी लगाएं इस तरह से ही लगाएं। ब्रश की सहायता से आपको इस तरीके से हेयर को करते जाना है। और आपका लॉन्ग हेयर है तो आप 1 घंटे तक सूखने के लिए रखिए। शॉर्ट है तो जैसे कि लड़कों का बाल शॉर्ट है तो फिर आप 30 से 35 मिनट तक रखिए या 40 मिनट तक, थोड़ा सा और हेयर लॉन्ग है तो, और उसके बाद इसे आप वॉश कर लीजिए। तो इसे अच्छे से सूखने जरूर दीजिए। देखिए सामने से मैं अपनी मैट करूँगी और इस तरीके से ब्रश को चलाना है। आपका हाथ जो है तरीके से चलना चाहिए, पूरे हेयर में अच्छे से अप्लाई हो जाए। चारों तरफ से मिक्स कर दीजिए जिससे कि हेयर जो है बहुत ही एकदम स्मॉल साइज का है। तो आपको इस तरह से आप कॉम से मिक्स करेंगे ना तो क्या होगा कि अच्छे से ये एक एक बाल में जो है ना आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका आगे पीछे मतलब पूरे बालों को अच्छे से इस तरीके से एक बार कॉम से
मिक्स कर लेना। इस तरीके से मिक्स करेंगे आप, अच्छे से चारों तरफ मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपको पीछे साइड से भी इस तरीके से आपको कर लेना है, जिससे कि ये क्रीम आप देख रहे हैं अच्छे से चारों तरफ लग चुका है। और ये जो क्रीम हल्की हल्की कंघी में आ रही है, इसे इस तरीके से बैक साइड से इस तरीके से आप बालों पे धीरे धीरे ऐसे पोंछते चले जाए जब आप कंघी कर रहे हैं। उसके बाद देख रहे होंगे अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो देखिए ये अच्छे से कलर मैंने चारों तरफ बालों पे अप्लाई कर दिया है और बस कॉम्ब से मैं इस तरीके से मिला भी दे रही हूँ कि एक एक बाल पे अच्छे से कलर अप्लाई हो जाए। तो इसे अब ये हेयर अब सूखने के लिए मैं आपको बता दूँ, जैसे लॉन्ग हेयर रहते गर्ल्स का हेयर होता और लॉन्ग होता तो वो एक घंटे से रख सकते हैं सुखाने के लिए, बट ये शॉर्ट हेयर है तो 35 से 40 मिनट तक रखेंगे और उसके बाद वॉश कर देंगे हेयर को। हेयर वॉश करने के बाद जो मैंने कंडीशनर बताया, ये कंडीशनर इस पैकेज में ही मिलता है, इसे अप्लाई करना है और इसे अप्लाई करके 2 मिनट तक अपने हाथों से अच्छे से मसाज करना है अपने हेड को, बालों को, और उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है। तो इस तरीके से इसे अप्लाई करना है। तो देखिए ये अच्छे से कलर जो है ये मिक्स हो चुका है, बस अब इसे सूखने के लिए हमें रखना है। सूख जाने के बाद हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। और तो देखिए कलर हो चुका है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही अच्छा कलर आया है बालों में।